दिखाई दे रहा है। कायमगंज के व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा, यहां तक सभी तंबाकू व्यापारियों द्वारा भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर पीएम मोदी जी की अपील का पूरा समर्थन किया जा रहा है। जनता कर्फ्यू के दौरान कायमगंज नगर व क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान व दुकान एवं तंबाकू गोदामों पर बंद होने के कारण सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। कायमगंज की सब्जी मंडी में सब्जी लाने वाले किसानों व चीनी मिल में गन्ना लाने वाले किसानों की भारी भीड़ लगी रहती थी। कायमगंज के पुलिस उपाध्यक्षक राजवीर सिंह गौर व कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार भारती भारी संख्या में पुलिस बल के साथ नगर में पैदल भ्रमण कर सड़क पर निकलने वाले इक्का दुक्का लोगों को भी घरों में ही रहने की प्रेरित किया। आम जनता की बीमारी से बचत करना बचाना है, महामारी जो आम विश्व स्तर पर जो चर्चा में है, काम जो घटनाएं घटी हैं उसको ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर, जिससे बीमारी हमारे देश में हमारे प्रदेश में ना फैलने पाए, उसके लिए जनता को जागरूक करना जिससे उससे बचाव किया जा सके कोरोना बीमारी से, जिससे हमारे प्रदेश में या देश में लोग बीमार ना हो, इसके लिए अभियान चलाया गया। तो ये मतलब कितनी दुकानें कायम खुली हैं या पूर्णतः बंद हुआ? पूर्णतः बंद है। बाई चांस कोई जैसे मेडिकल की स्टोर की दुकान, मेडिकल स्टोर है, इमरजेंसी के लिए दवा लेने की खुली, बाकी लगभग बंद है।